जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंह ऑटो जोन के नए एपिसोड में। आज एक नहीं बल्कि दो अपडेट रहेंगे, दोनों ही अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर जिनकी हम काफी समय से वेट कर रहे हैं। पहला है हीरो मोटर्स का होंडा इलेक्ट्रिक स्कूटर, दूसरा है हीरो मोटोकॉर्प का जो अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उससे जो अपडेट आए हैं वो दोनों ही आपके साथ यहाँ शेयर किए जाएंगे और दोनों ही अपडेट इंपॉर्टेंट रहेंगे। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप भी होंडा और हीरो मोटोकॉर्प के अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर की वेट कर रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो आपके लिए ही बनी है, पूरी जरूर देखिएगा। और लगे वीडियो आपके मतलब की थी तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। बढ़ते हैं पहले अपडेट की तरफ। दोस्तों, कमेंट में अक्सर पूछा जाता है कि सर आखिर कब होंडा एक्टिवा का इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च करेगा। दोस्तों, इस साल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगले साल शॉर्ट 2023 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ऑलरेडी इस पर R&D आई थिंक कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ टेस्टिंग वगैरह चल रही है, प्रोडक्ट रेडी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसको लॉन्च अगले साल ही किया जाएगा। इसका एक रीजन है, अगर आपको याद हो कुछ दिनों पहले एक अपडेट आपके साथ शेयर किया था कि हीरो की एक नई सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है हीरो पावर पैक एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भारत में बैटरी स्वैपिंग स्टेशन को सेटअप करेगी। ऑलरेडी बेंगलुरु साइड इन्होंने अपने स्टेशन को सेटअप करना भी शुरू कर दिया है, इसको सभी बड़े शहरों में सेटअप किया जाएगा। इतना नहीं, इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया है भारत पेट्रोलियम के साथ मिलकर, उनके सभी पेट्रोल पंप्स पर ऑल इंडिया लेवल पर इन बैटरी स्वैपिंग स्टेशन को सेटअप किया जाएगा। अब इसका क्या मतलब निकालें दोस्तों, इसका मतलब ये है कि पहले ये बैटरी स्वैपिंग स्टेशन या बैटरी स्वैपिंग जो इंफ्रा है इसको डेवलप किया जाएगा, उसके बाद एक्टिवा के इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अपकमिंग एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर बैटरी स्वैपिंग ऑप्शन के साथ अवेलेबल होगा, जबकि आप इसको विद और विदाउट बैटरी खरीद सकते हो। विद बैटरी खरीदोगे बिल्कुल आप इसको वही वन टाइम इसकी पेमेंट कर दोगे, लेकिन अगर आप विदाउट बैटरी खरीदना चाहते हो तो अब आपको बिल्कुल वही सिस्टम रहेगा कि आप बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पर जाओगे, वहां पर जो डिस्चार्ज बैटरी को डालोगे, नई चार्ज बैटरी को अपने यूज करोगे, और जो भी चार्ज होगा एज पर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन वो आपका ऑटोमेटिक जो आपकी ऐप होगी उससे कट जाएगा। तक किस तरह कोई अपडेट क्लैरिटी नहीं है स्पेसिफिकेशन रिलेटेड, फीचर्स या प्राइस रिलेटेड, लेकिन हम आइडिया लगा सकते हैं कि विद बैटरी पैक तकरीबन 1 लाख तक का प्राइस हो सकता है और वहीं विदाउट बैटरी पैक 60,000 के आसपास इसका प्राइस हो सकता है। और अब बढ़ते हैं सेकंड अपडेट की तरफ। हीरो मोटोकॉर्प जो ना सिर्फ भारत का बल्कि ग्लोबल दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स हैं, ने कंफर्म किया कि जुलाई 2022 में इनका जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसको लॉन्च करेंगे। पहले उन्होंने मार्च मंथ में इसी मंथ इसको लॉन्च करने की प्लानिंग की थी, लेकिन अब इसको 3 महीने डिले किया गया है, अब इसको जुलाई फर्स्ट वीक में लॉन्च किया जाएगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर को इनकी जो आंध्र प्रदेश की फैसिलिटी है वहां पर बनाया जाएगा, तकरीबन $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। फिलहाल इन्होंने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, जिसका नाम रखा गया है वीडा। वीडा ब्रांड के अंदर ही इनके जो अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है, उनको लॉन्च किया जाएगा। इसे भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये फिक्स बैटरी ऑप्शन रहेगी या बैटरी स्वैपिंग की भी ऑप्शन रहेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऑलरेडी हीरो मोटोकॉर्प ने ज्वाइंट वेंचर किया है ताइवान की उस कंपनी के साथ जिसके पास एक महारत है, एक्सपर्टीज है बैटरी स्वैपिंग स्टेशन इंफ्रा सेटअप करने की, बिल्कुल उसका नाम है गोगोरो। साथ मिलकर ये भारत में बैटरी स्वैपिंग स्टेशन लगाएगी तो काफी चांसेस है कि एक्टिवा की तरह हीरो मोटोकॉर्प का अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी बैटरी स्वैपिंग स्टेशन ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जाए। जो भी नए अपडेट निकलते रहेंगे आपके साथ शेयर करता रहूंगा। सबसे पहले फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन दोनों में से आप कौन सा स्कूटर पसंद करोगे, एक्टिवा या हीरो मोटोकॉर्प का अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर। जय हिंद।